थे उसको, क्योंकि एक बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में। वही सेम अगर केमिकल एडसॉर्प्शन में हम लोग बात करें या केमिस ऑप्शन के बारे में, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि एक्चुअली में वहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो उसकी वजह से जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होगा एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वंडरवाल फोर्स से ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट जो लिखा है तो उसमें देखोगे कि एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज लो, फिजिक्स ऑप्शन में लो होता है। बिकॉज रीजन वही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वीक है, तो ऑब्वियसली उसको ब्रेक करने में भी क्या होगा, कम एनर्जी खर्च होगा, या अगर वो ब्रेक भी होगा तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो वही है, उसका एनर्जी लो है। लेकिन ये अगर केमिस्ट ऑप्शन में बात करें तो एनर्जी हाई है। रेंज ध्यान रखना है इसका, 82 to 240 किलो जूल पर मोल होता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि केमिकल बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो स्ट्रांग बॉन्ड है, और ब्रेक करने करने के बाद क्या होगा, ब्रेक जैसे ही वो होगा या फिर फॉर्मेशन में, जैसे दो प्रोसेस होता है ना कि बॉन्ड फॉर्मेशन, एक बॉन्ड बनेगा तो हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो वहां पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम्स हाई है, फिजिक्स ऑप्शन से अगर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू ऑफ एड्सॉर्प्शन है। किसका, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, सॉरी केमिस ऑप्शन का। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि फिजिक्स ऑप्शन इट अकर्स एट लोअर टेम्परेचर। हाँ ये ध्यान रखना, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन जो है वो लोअर टेम्परेचर पर अकर रहता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर हाई करोगे तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वैनिस कर जाता है, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो वहां पे डिसॉर्प्शन हो जाएगा। मतलब एडसॉर्प्शन का जस्ट उल्टा, मतलब जैसे वो एडसॉर्बेट का मॉलिक्यूल एडसॉर्बेंट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था ना, तो उसको एडसॉर्प्शन बोलते हैं या सॉर्प्शन बोलते हैं उस प्रोसेस को। अब ये डिसॉर्प्शन हो जाएगा, जैसे दोनों अगर दूर चले गए एक दूसरे से तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिसॉर्प्शन। तो हाई टेम्परेचर पे वही चीज हो जाता है वहां पे फिजिक्स ऑप्शन में। लेकिन केमिस्ट ऑप्शन में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखाया गया होगा तुम लोग को पॉइंट कि यहाँ पे एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो दो स्पीसीज अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो अगर वहां पे बॉन्ड बनना है या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है, तो एक डेफिनेट, ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हो, एक मिनिमम एनर्जी होता है, उस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्जन पॉसिबल है, या इफेक्टिव हम लोग उसको बोल सकते हैं कि इफेक्टिव रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ भी वही क्या है कि एक मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो जाके बॉन्ड बन पाएगा, या रिएक्शन उस एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच क्या होगा, वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ अमाउंट एनर्जी हमको प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। तो प्रोवाइड करने के लिए ऑब्वियसली वो हाई टेम्परेचर पे ही एनर्जी प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अगर फिजिक्स ऑप्शन में तुमसे पूछा गया कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, तो वो क्या लिख दोगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे फिजिक्स ऑप्शन में डिसऑप्शन हो जाएगा, मतलब एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के बहुत, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे, तो वो डिस ऑप्शन हो जाता है। एक और पॉइंट लिखा है तो तुम लोग को, हाँ यहाँ पे कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है फिजिक्स ऑप्शन का लो होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा किसका, केमिस्ट ऑप्शन का। क्लियर है, क्योंकि केमिस्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, एक्चुअली ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा। दूसरा ये नेक्स्ट पॉइंट था कि फिजिक्स ऑप्शन नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है एडसॉर्बेट का, कोई भी मॉलिक्यूल वो एडसॉर्बेंट पे जाके एडसॉर्ब हो सकता है, वहां कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होता है कि कुछ सर्टन मॉलिक्यूल ही जाके एडसॉर्बेंट के सरफेस पे अट्रैक्ट होगा, ठीक है। कोई भी किसी भी केस में वो स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं होता, मतलब कोई सर्टन मॉलिक्यूल्स फिक्स नहीं है उस केस में कि वही सिर्फ एड्सॉर्ब होगा, बाकी अदर एड्सॉर्ब नहीं होंगे, इसलिए इसको नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। लेकिन केमिस ऑप्शन जो है वो स्पेसिफिक है, इट मींस दैट ये पता ही होगा जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई भी दो स्पीसीज को अगर मिला दोगे तो वहां पर रिएक्शन हो जाएगा, वो तो ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक होता है ना कि ये दो स्पीसीज लोगे तभी वहां पर केमिकल रिएक्शन होगा। तो ऑब्वियसली ये स्पेसिफिसिटी, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे स्पेसिफिसिटी आएगा ही,
इसलिए इसको बोलते हैं ये स्पेसिफिक नेचर का है। नेक्स्ट है कि इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिकुलर लेयर्स, मतलब हाँ फिजिक्स ऑप्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है कि मल्टी मॉलिकुलर लेयर्स फॉर्म होता है। मल्टी मॉलिकुलर लेयर्स मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा डिफरेंट लेयर्स होते रहता है, ठीक है, मतलब एक लेयर पे एडसॉर्प्शन हुआ उसके बाद दूसरा लेयर, तो हाई प्रेशर जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते रहोगे लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है। लेकिन केमिस ऑप्शन एक्चुअली मोनोलेयर ही बनाता है। मोनोलेयर बनाने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही लेयर बनेगा, क्योंकि टॉप लेयर ही क्या करेगा वो, यहाँ पे एक्चुअली एक सर्टन केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो एक्चुअली जो बॉन्ड बनेगा वो टॉप लेयर और टॉप लेयर में जो एडसॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे और जो एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में ही एक लेयर बनेगा, ठीक है, वो वही लेयर बनेगा। मतलब एक्चुअली एक ही लेयर बनेगा, वो किसकी वजह से बनेगा, एडसॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे हैं और एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ बोलते हैं कि एक मोनो लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो सर फिजिकल वाला में मल्टी लेयर कैसे हो जाता है? मल्टी लेयर एक्चुअली क्योंकि वहां पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है ना, एक स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जस्ट एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है। जैसे वंडर वॉल फोर्स में कैसे होता है, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, तो जैसे जैसे प्रेशर हाई होते जाएगा ना, समझ में आ रहा है, प्रेशर जैसे ही हाई करते जाएंगे हम लोग, तो वहां पे बहुत डिफरेंट मॉलिकुलर लेयर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो और क्या पॉइंट था, हो गया सारा? एक और पॉइंट है, एक और क्या था, हाँ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के, इसमें बताए थे फिजिक्स ऑप्शन में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होता है वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, बट केमिस ऑप्शन पे वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक्चुअली इसका रीजन क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, चलो यहाँ देखो जैसे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता क्या है, ठीक है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक्सटेंट ऑफ स्क्रीन शेयर नहीं है सर, एक मिनट, अभी दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बाय एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब एक्स जो डिनोट करता है यहाँ पे ये है मोल्स ऑफ एड्सॉर्बेट, ठीक है, एड्सॉर्बेट का कितना मोल्स लिया है, और एम जो डिनोट कर रहा है ये है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, तो ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिनोट कर रहा है। एक्चुअली कितना मोल्स ऑफ एड्सॉर्बेट जो है वो कितने मास ऑफ एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, तो ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। तो इसको जब हम लोग प्लॉट करते हैं, एक्चुअली ये ग्राफ आता है तो फिजिक्स ऑप्शन पे अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो फिजिक्स ऑप्शन के लिए अगर ये प्लॉट किया जाता है, ठीक है, तो इसके लिए ये टेम्परेचर के साथ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं एक्स बाय एम वर्सेस टेम्परेचर, तो इसमें हम लोग फिजिक्स ऑप्शन में पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो फिजिक्स ऑप्शन का क्या होगा, उसमें डिस ऑप्शन होने लगता है, मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आता है, ठीक है, ये देखा गया है कि ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आता है, और ये इसको हम लोग एड्सॉर्प्शन आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार मतलब क्या हुआ, कौन से प्रोसेस को आइसोबार बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा होता है, क्या कांस्टेंट रहता है आइसोबारिक प्रोसेस में, प्रेशर, हाँ, तो मतलब आइसोबार है मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पे ये ग्राफ प्लॉट किया गया है कि प्रेशर अगर हम लोग कांस्टेंट रखें तो फिजिक्स ऑप्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, वो कम होगा, लेकिन यही चीज जब केमिस्ट ऑप्शन के लिए ये प्लॉटिंग किया गया तो केमिस ऑप्शन में ये आया, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का नेचर है कि शुरुआत में तो टेम्परेचर के साथ ये बढ़ा, ठीक है,
अब जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो इसके बाद ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होने लगा, ठीक है। ये टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो ये देखो शुरुआत में ये क्या हुआ, केमिस ऑप्शन में क्या देखा गया कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो शुरुआत में एक सर्टन लिमिट तक एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ कि एक सर्टन लिमिट, एक सर्टन टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होने लगा, कम होने लगा। क्योंकि एक्चुअली यहाँ देखो ये एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, केमिस ऑप्शन के केस में। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही वो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। उसके बाद क्या होता है कि अगर उस रिएक्शन से, क्योंकि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है, क्योंकि ये एक क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब अगर टेम्परेचर हम लोग कंडीशंस बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, यहाँ पे ग्राफ से भी दिख रहा है कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा दिए तो ये रिएक्शन क्या होने लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, ये कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज बस ध्यान रखना है इसमें। केमिस ऑप्शन में शुरुआत में क्या होता है, ये टेम्परेचर बढ़ाने पर इनिशियली एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है, और उसके बाद जैसे टेम्परेचर एक सर्टन लिमिट के बाद टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन फिर क्या होने लगता है, ये डिक्रीज होने लगता है। तो ये है, अब इसमें कुछ कुछ फीचर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका, फिर आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है दोनों का। और ये भी ग्राफ क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे बनाया गया है, ठीक है, ये भी एड्सॉर्प्शन आइसोबार ही है, मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें दोनों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिस ऑप्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिस ऑप्शन, तो बस यहाँ पे हम शॉर्ट में बता देते हैं, ये एक्चुअली लिखा ही चुके हैं, ठीक है, बस डिस्कस कर लेते हैं फिजिस ऑप्शन को कैसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है। तो पहला तो ये हो गया, फिजिस ऑप्शन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी बोल सकते हैं, यानी स्पेसिफिसिटी, ठीक है, स्पेसिफिसिटी मतलब ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिस ऑप्शन क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस है, मतलब कोई भी एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल जो है किसी भी एड्सॉर्बेंट पे जाके एड्सॉर्ब हो सकता है। तो पहला तो ये है, इसमें सबके पास एनसीईआरटी में देखना, ये एग्जांपल्स भी दिया हुआ है इसका, ठीक है, स्पेसिफिसिटी, ये एक बार उसको रीडिंग मार लेना। तो पहला तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी है, दूसरा होता है कि ये रिवर्सिबल नेचर का है, रिवर्सिबल नेचर ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी हम लोग, रिवर्सिबल नेचर मतलब कि हाई टेम्परेचर पे हम लोग देख चुके हैं कि फिजिक्स ऑप्शन एक्चुअली क्या होता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा, मतलब उसमें डिस ऑप्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया, हम लोग इसको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़े हो ना तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में, याद है या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो उससे हम लोग रिलेट करके बोल सकते हैं कि अगर उसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं ना, टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हाई कर देंगे तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, वो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन, ठीक है, कि डेल्टा एच के डायरेक्शन पे वो डिपेंड करता है, डेल्टा एच पॉजिटिव है या डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे बताओ, तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे एड्सॉर्प्शन का जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच पे ही डिपेंड करता है, डेल्टा एच पे ही ऑब्वियसली डिपेंड करेगा ना, ये हम लोग डिस्कस किए थे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। तो यहाँ पे ये तो बताया कि इसमें एंट्रोपी तो हमेशा डिक्रीज होता है, अब एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है तो ये प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव होगा तभी डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन जीरो जाएगा और वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। एक्चुअली में यहाँ पे एड्सॉर्प्शन का जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो डेल्टा एच के वैल्यू पे डिपेंड करता है, डेल्टा एच का वैल्यू जितना नेगेटिव होगा ये प्रोसेस क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन डेल्टा एच के नेचर पे, आइदर वो एंडोथर्मिक है, और ये पहले पढ़ भी चुके होंगे एंडोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है,
ग्रेटर देन जीरो होता है और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू लेस देन जीरो होता है। तो उससे हम लोग रिलेट करके और लीच एटलियर्स प्रिंसिपल से रिलेट करके और टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, ठीक है, वो रिएक्शन को मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, वो लीच एटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। तो यहाँ पे ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें फिजिस ऑप्शन में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसऑप्शन हो रहा है। तो डिसऑप्शन होने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में इस केस में शिफ्ट होगा, बताओ तो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अगर डीस ऑप्शन हो, हाँ, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। डीस ऑप्शन होना मतलब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा हो गया रिवर्सिबल नेचर। तीसरा हम लोग बात कर सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया पे ये कैसे डिपेंड करता है, बताना। तो सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट ये क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बताओ, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बोलो तो। डायरेक्टली, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया, ऑब्वियसली एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो सकते हैं ना, उसके सरफेस पे आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया, ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्स बाय एम से डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ किसका, एड्सॉर्बेंट, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारा, ये हम लोग कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेट कर सकते हैं फिजिक्स ऑप्शन से। अब अगर हम लोग केमिस ऑप्शन के बारे में बात करें, तो केमिस ऑप्शन में सबसे पहला पॉइंट तो यही बोल सकते हैं हम लोग कि ये स्पेसिफिक नेचर होता है, हाई स्पेसिफिसिटी। क्यों हाई स्पेसिफिसिटी है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जब जहां भी केमिकल रिएक्शन होगा ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन स्पेसिफिक नेचर का होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। दूसरा, सरफेस एरिया के टर्म में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सरफेस एरिया के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो यहां भी क्या होगा, ऑब्वियसली अगर हम लोग सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा यहाँ पे बढ़ेगा। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया आप क्या बोल सकते हैं हम लोग, एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा इस केस में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इररिवर्सिबिलिटी होता है इसका। इररिवर्सिबिलिटी मतलब ये प्रोसेस जो है इररिवर्सिबल है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जहां भी केमिकल रिएक्शन अगर होगा, केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है या इररिवर्सिबल प्रोसेस, ये तो बेसिक्स पढ़े ही होंगे तुम लोग। इरिवर्सिबल, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ऑब्वियसली वहां पे केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, जो इनिशियल में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का फेज होगा या कुछ होगा, जो प्रॉपर्टी होगा, वो बॉन्ड बनने के बाद वो प्रॉपर्टीज क्या वापस से हम लोग रिकवर कर सकते हैं क्या? नहीं। ऑब्वियसली यहाँ भी वही चीज है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन होना हो रहा है इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है एक्चुअली में, एक बिल्कुल नया कंपाउंड बन जाएगा। जैसे ही कोई केमिस ऑप्शन अगर हो रहा है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स और एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा, और इसके बाद केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। और जहां भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा या केमिकल चेंज हो रहा होगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इररिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि फिजिक्स ऑप्शन में नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन अकर नहीं कर रहा था, बस एक वीक अट्रैक्शन फोर्स था। तो वहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो, क्योंकि वहां कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है या रिएक्शन नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए ये प्रोसेस क्या है, इररिवर्सिबल प्रोसेस है।
ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है क्योंकि बॉन्ड बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनना हमेशा, बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हमेशा बता चुके हैं तुम लोग को, बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है और बॉन्ड जहां पे ब्रेक हो रहा होगा वो प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होता है। और इस केस में क्या होता है कि केमिस ऑप्शन का रेट जो होगा शुरुआत में प्रोसेस स्लो होता है लो टेम्परेचर पे, और जैसे जैसे उसका क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगा तो राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ क्या होगा वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होते जाता है वो बढ़ते जाता है। मतलब शुरुआत में उसका रेट जो होगा केमिस ऑप्शन का वो स्लो रेट से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से वो क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी के और ज्यादा करीब वो पहुंचते जाएगा, तो जैसे ही एक बार वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देगा तो फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा उसका बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हम लोग कर देंगे, प्रेशर कांस्टेंट रख के, देखो प्रेशर कांस्टेंट रख के यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि बहुत ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर अगर कर देंगे तो यहाँ भी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होने लगता है, ये कम होने लगता है, तो एक मिनिमम टेम्परेचर तक ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है ना, ये ग्राफ से भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही वेरी हाई टेम्परेचर पे ये क्या होगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इसका कम होने लगता है, धीरे धीरे उसका रेट भी नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी दिख रहा है? नो सर। चलो हाँ, तो यहाँ पे ग्राफ से भी हम लोग देख सकते हैं ना, शुरुआत में बोल रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन देखो इंक्रीज हो रहा है। अब एक बार वो इंक्रीज हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा, वो और इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वेरी हाई टेम्परेचर अगर हम लोग कर दें, ठीक है, जो ये ग्राफ में अगर हम लोग एक्सट्रीम राइट साइड में अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हाई कर दोगे तो इसका भी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि डिसऑप्शन हो जाएगा, डिसऑप्शन इस केस में नहीं होगा क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बिल्कुल यहाँ पे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल अलग नहीं हो सकता है कभी भी, समझ में आ रहा है ना, वो जिस रेट से एड्सॉर्ब हो रहा था एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो कम हो रहा है, बट यहाँ बिल्कुल डिसऑप्शन नहीं बोल सकते हैं। डिफरेंस क्लियर है ना फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन में? ठीक है, तो ये हो गया इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इरिवर्सिबिलिटी, और चौथा हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये इसी में लिख लेना, यहाँ भी चौथा हम लोग एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इस केस में क्या आता है बोलो तो? लो होगा फिजिक्स ऑप्शन में, और वही हम लोग अगर यहाँ पे बात करें डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन बात कर रहे हैं, ये एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो इस केस में एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, लो या हाई? हाई। ठीक है, ये केमिस ऑप्शन का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, बाकी ऑलरेडी डिफरेंस तुम लोग को लिखा चुके हैं, तो वहां पे उसको ध्यान रखना, ये बोर्ड्स में ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछा जा सकता है इसमें, या स्कूल एग्जाम्स में भी तुम्हारा पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना, एटलीस्ट 4-5 पॉइंट ध्यान रखो, याद रखना 4-5 पॉइंट। ठीक है, क्लियर है सबको इन दोनों में डिफरेंस, फिजिक्स ऑप्शन और? चलो तो ये अगर क्लियर हो गया तो इसमें नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेन चेंज किए क्यों दिख नहीं रहा? व्हाइट कलर लीजिए, व्हाइट लीजिए ना सर, व्हाइट रेड। चलो ठीक है, इसमें एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एड्सॉर्प्शन, कॉम्पिटेटिव एड्सॉर्प्शन का ये मतलब हुआ, ठीक है, देखो जहां पे मतलब एक से ज्यादा एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, एक से ज्यादा एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो वहां पे कंपटीशन होगा, एक्चुअली कि कंपटीशन किस में होगा, जहां पे एक से ज्यादा अगर पार्टिसिपेंट आ जाता है तो वहां पे ऐसे तो विनर नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है ना, वहां पे ऑब्वियसली उनमें कंपटीशन कराया जाता है, तो यहाँ भी ऐसे ही है कि अगर एक से ज्यादा एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि कोई एक एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल क्या होगा वो ज्यादा एड्सॉर्ब होता है और
दूसरा वाला जो होगा वो कम एड्सॉर्ब होगा। तो वहां पे हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे किसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा या किसका एड्सॉर्प्शन कम होगा, तो उसके लिए एक फैक्टर होता है उसको कंपेयर करने का, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन देयर इज कॉम्पिटेटिव एड्सॉर्प्शन को डिफाइन किया जाता है ऐसे कि व्हेन देयर इज ओनली वन एड्सॉर्बेंट इन कॉन्टेक्ट विथ टू और मोर देन टू एड्सॉर्बेट, दो एड्सॉर्बेट, दो या दो से ज्यादा एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्ट में अगर एक ही एड्सॉर्बेंट रहेगा तो वहां पे क्या होता है कि एक कॉम्पिटेटिव एड्सॉर्प्शन होगा, मतलब कोई एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा और दूसरा वाला जो है वो कम एड्सॉर्ब होगा। जैसे इस केस में अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग ये कोई सरफेस ले लिए, इसको बोलते हैं यहाँ पे चारकोल के, मान लो चारकोल के सरफेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं गैसेस का एड्सॉर्प्शन करा रहे हैं, ठीक है, ये है चारकोल का सरफेस, ये एड्सॉर्बेट होगा या एड्सॉर्बेंट होगा बताओ। तो इसके सरफेस पे अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट या एड्सॉर्बेंट? एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट, ठीक है, तो ये है एड्सॉर्बेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो दो गैसेस है, एक अमोनिया गैस है और दूसरा O2 गैस है, ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पे बताओ तो दोनों का अब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या इक्वल होगा या डिफरेंट होगा बताओ। ऑब्वियसली दो अलग अलग गैसेस हैं तो नेचर उनका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में कि कौन सा गैस जो है ये आसानी से एड्सॉर्ब हो जाएगा, तो बताओ तो कौन से गैस का ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा है, अमोनिया का या ऑक्सीजन का? तुम लोग ये गैसीय स्टेट पढ़ चुके हो, गैसीय स्टेट में ये सारा ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन हम लोग डिस्कस किए हैं, मतलब वो डिपेंड किस पे करता है, ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वान डर वाल कॉन्स्टेंट ए। वान डर वाल के दो कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़े थे ना वहां पे, ए और बी, याद है या भूल गए सारा चीज? यस सर। तो वहां पे ए कॉन्स्टेंट जो है वो क्या डिटरमाइन करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स से वो रिजल्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्स को डिटरमाइन करता है, रिलेटेड है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और बी कॉन्स्टेंट जो था वो किससे रिलेटेड था, वो मॉलिक्यूलर साइज से रिलेटेड था। हाँ, मॉलिक्यूलर साइज से रिलेटेड था। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ जो अगर हमको ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन डिसाइड करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करेगा, ए फैक्टर, मतलब जिस गैस का ए मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो उसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा हो। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए। ए यहाँ पे क्या है, वान डर वाल्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, वान डर वाल्स कॉन्स्टेंट। चलो अब बताओ तो NH3 और O2 में किसका ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो, NH3 का या O2 का? बोलो कौन सा गैस आसानी से एड्सॉर्ब हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा? ऑब्वियसली अमोनिया गैस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा पोलैरिटी से भी हम लोग कंपेयर करके बोल सकते हैं, क्योंकि अमोनिया गैस एक्चुअली क्या है, एक पोलर गैस में आता है, और O2 गैस का नेचर कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। पोलैरिटी तो पढ़े हो ना, केमिकल बॉन्डिंग। यस सर। तो NH3 का नेचर क्या होगा, पोलर है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? ये पोलर मॉलिक्यूल है NH3, तो ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल पोलर होगा उसके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, वो आसानी से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो सकता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर। O2 क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर है। तो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अमोनिया का या ऑक्सीजन का? अमोनिया का। अमोनिया, तो ऑब्वियसली वान डर वाल कॉन्स्टेंट ए का वैल्यू जो है वो अमोनिया के लिए ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे अमोनिया गैस का ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है ये O2 गैस से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसको हम लोग वान डर वाल कॉन्स्टेंट ए से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे एक्चुअली ये ऐसे भी हो सकता है कि अगर मान लो शुरुआत में अगर O2 का एड्सॉर्प्शन हो गया है, ठीक है, मतलब शुरुआत में इसमें हम लोग सिर्फ O2 डाले हैं, तो O2 तो एड्सॉर्ब होगा थोड़ा बहुत। अब बाद में NH3 अगर हम लोग इंट्रोड्यूस अगर कर भी देंगे तो NH3 क्या करेगा, ऑलरेडी जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे एड्सॉर्ब हुए होंगे चारकोल के सरफेस पे, उसको वो निकाल देगा, उसको वो डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, कि अगर पहले मान लो इसमें चारकोल के सरफेस के ऊपर सिर्फ O2 गैस था, अगर सिर्फ O2 रहेगा तो ऑब्वियसली O2 थोड़ा बहुत तो एड्सॉर्ब होगा ना, ठीक है। अब बाद में क्या किया हम लोग, NH3 इसमें इंट्रोड्यूस किए लेटर, तो NH3 इंट्रोड्यूस किए तो NH3 का ऑब्वियसली हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे देख भी चुके हैं कि ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है NH3 का वो O2 गैस के कंपैरिजन में वो ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑलरेडी जो O2 गैस एड्सॉर्ब हो चुका था चारकोल के सरफेस पे, अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस ऑक्सीजन गैस को भी डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसको रिप्लेस करते जाएगा। क्लियर है सर? ऐसा नहीं हो सकता कहीं पर ऑक्सीजन रहे कहीं पर अमोनिया? नहीं, तो सर अमोनिया अगर एड्सॉर्ब हो जाए तो फिर ऑक्सीजन क्या उसमें कंटेनर में घूमते रहेगा? थोड़ा बहुत एड्सॉर्प्शन होगा ऑक्सीजन का भी, बट यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि 100%। नहीं नहीं ठीक है, वो 100% कभी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी एड्सॉर्ब होगा, बट कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन सा गैस का ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन वो ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा कौन एड्सॉर्ब होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर ऑक्सीजन पहले से एड्सॉर्ब हुआ हुआ है तो अमोनिया क्या कर सकता है, उसके मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस भी कर सकता है, बिकॉज अमोनिया गैस का ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो ऑक्सीजन गैस से ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? Yes, तो ये होता है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, ठीक है, यही चीज हम लोग देखेंगे, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, गैस मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन हम सॉलिड के सरफेस में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। सॉलिड पे अगर कोई गैस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहा है तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये फैक्टर ध्यान रखना है तुम लोगों को। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है ये नेचर ऑफ द गैस है, अभी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नेचर ऑफ गैस के बारे में, जैसे अमोनिया और ऑक्सीजन का केस लिए तो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है क्लियरली कि अमोनिया गैस ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा है और ऑक्सीजन गैस कम एड्सॉर्ब हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि मोर इजिली लिक्विफेबल गैसेस, ये ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़े हो तुम लोग कि मोर इजिली लिक्विफेबल gases can be easily adsorbed on the surface of solid. समझ में आ रहा है, मतलब वो ऐसा गैस जिसको आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो गैस जो होगा आसानी से और सॉरी यहाँ सरफेस ऑफ सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के सरफेस पे हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो वैसा गैस जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है वो उन सभी गैसेस का एड्सॉर्प्शन क्या होगा, वो आसानी से हो सकता है, मोर इजिली एड्सॉर्ब हो सकते हैं वो सारे गैस, ठीक है। अगर मान लो इफ ऑल द फैक्टर्स आर सेम, अगर हम लोग लिक्विफेक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, इफ ऑल द फैक्टर्स आर सेम देन हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ऊपर, ए मतलब वंडरवाल कांस्टेंट, या फिर इसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी से भी डिनोट करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला तुम लोग को याद है, ये गैस स्टेट में पढ़े थे, क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर्मूला होता है इसका 8A/27BR, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। ए और बी यहाँ पे वंडरवाल कांस्टेंट है और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है,
तो रे एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग वैन डर वाल कांस्टेंट ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा टेम्परेचर कोफिशिएंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिस गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल, सॉरी ये टीसी जो है क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उस गैस का एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे कुछ डेटा लिख रहे हैं, गैस लिख रहे हैं और उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी साथ में लिख रहा है, जैसे यहाँ पे SO2 गैस है, NH3 गैस है, CH4 है और H2 है, इन सभी गैसेस का हमको एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन मेजर करना है। तो इसके क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे डेटा दिया हुआ है तुमको, इसका 430 केल्विन, 406 केल्विन, 190 केल्विन और इसका है 33 केल्विन। बताओ तो कौन सा गैस मोर इजिली एब्जॉर्ब होगा इन चारों में से, अगर तुमको कंपेयर करना है कौन सा गैस आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा? हाइड्रोजन आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या लिखें, रिलेशन तो एटलीस्ट देख लिया करो। सर SO2 दिख रहा है, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन भी तो उतना ज्यादा होगा। तो इन चारों गैसेस में सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है? SO2 का। SO2 ऑब्वियसली, तो SO2 का एडसॉर्प्शन क्या होगा, वो सबसे ज्यादा होगा, फिर NH3, CH4 और उसके बाद सबसे लेस्ट H2 का हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। और ये दोनों हम लोग देख भी सकते हैं कि ये दोनों मोस्टली क्या होते हैं, पोलर गैसेस हैं, तो मोर पोलर गैसेस हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग पोलैरिटी से भी कंपेयर कर सकते हैं कि पोलर गैसेस का एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होता है, वो नॉन पोलर से ज्यादा होता है, ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर तो ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, दूसरा जो आता है इसमें, एक मिनट रुकना, तो हेलो हेलो, चलो आवाज आ रहा है ना सबको? चलो ठीक है, तो पहला फैक्टर तो हो गया एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, सॉरी ये नेचर ऑफ द गैस हो गया, ठीक है, दूसरा फैक्टर बताओ क्या होगा? सरफेस एरिया। हाँ सरफेस एरिया, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बात करते हैं कि नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल, मतलब नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट पे भी डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, ठीक है, या एडसॉर्प्शन ऑफ गैस जो है ये नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करेगा। कैसे, देखो एक्चुअली अगर हम लोग एक्टिवेशन कर दें, एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट, एक्टिवेशन का मतलब क्या हुआ कि उसके मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे मान लो अगर ऐसे वो एडसॉर्बेंट का सरफेस जो है अगर बहुत दिन से पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, कहीं पे भी, तो उसमें अगर एडसॉर्प्शन करोगे शुरुआत में बिना उसको क्लीन किए हुए उसके सरफेस को, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड नहीं है, एक्टिवेटेड मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं या क्लीन सरफेस से भी वो नहीं होता है एक्चुअली, यहाँ पे जैसे मान लो एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट अगर हो रहा है, एडसॉर्प्शन फिनोमिनन अगर हो रहा है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक अट्रैक्शन फोर्स आना चाहिए, तो अट्रैक्शन फोर्स होने के लिए क्या होना चाहिए कि एडसॉर्बेंट का मॉलिक्यूल भी थोड़ा बहुत एक्टिवेटेड होना चाहिए, मतलब उसके पास उतना मिनिमम एनर्जी होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सके, समझ में आ रहा है ना? अब बिल्कुल वो अगर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होगा तो वो क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो एग्जर्ट ही नहीं कर पाएगा, क्लियर है? तो यहाँ पे इसलिए हम लोग बात करते हैं कि एडसॉर्बेंट के सर्फेस या एडसॉर्बेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि अगर एडसॉर्बेंट का नेचर उतना ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है तो उस केस में वो क्या करेगा, एडसॉर्बेंट के मॉलिक्यूल को उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता है अपने तरफ, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि एडसॉर्बेंट, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन उस केस में
कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुमसे बोला जाए कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमको, एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल को क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। उसके मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है, तो एक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाता है कि मेटालिक एड्सॉर्बेंट, ठीक है, जनरली मेटालिक एड्सॉर्बेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आर एक्टिवेटेड बाय मैकेनिकल रबिंग। ठीक है, मैकेनिकल रबिंग और बाय एनी केमिकल रिएक्शन। तो अगर मान लो कोई मेटालिक एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर एड्सॉर्प्शन करा रहा है, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए या तो उसको मैकेनिकली रब कर दो किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ, उसको रब करने से भी उसके मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होते हैं, या फिर उनका किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ केमिकल रिएक्शन करा दें हम लोग। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कराने से भी क्या होगा, उनके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सारा क्या है कि एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कराना है, ताकि वो क्या कर सके, एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जर्ट कर सके एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, तो ये तरीका है कि हम लोग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन मेटालिक एड्सॉर्बेंट का कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा हम लोग एक और तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ाने का, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। अगर हम लोग एड्सॉर्बेंट के सरफेस एरिया को अगर इंक्रीज कर देंगे, तो ऑब्वियसली एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा, बताओ तो, बोलो। बढ़ेगा, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा करोगे, ठीक है, सबसे पहले वो एक्टिवेशन तो जरूरी है ही कि एक्टिवेट होना चाहिए उसका मॉलिक्यूल्स। अब एक्टिवेशन अगर हो गया, दूसरा फैक्टर क्या होता है कि अगर हम लोग सरफेस एरिया अगर बढ़ा दें एड्सॉर्बेंट का, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वो गैस का जो एड्सॉर्प्शन है सॉलिड के सरफेस के ऊपर, वो इंक्रीज हो जाता है। चलो, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ या नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो सेकंड फैक्टर होता है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। तीसरा जो फैक्टर होता है ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। फिजिक्स ऑप्शन में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अलग होता है, केमिस्ट ऑप्शन में अलग होता है। ये ऑलरेडी ग्राफ के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं ना, ये ग्राफ तो बताए थे ना अभी, याद है या नहीं? ये ग्राफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, ये ग्राफ ही ध्यान रखना कि ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इधर रख लें, ये टेम्परेचर इधर है। तो ये फिजिक्स ऑप्शन में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बिल्कुल कम होगा, और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, डिस ऑप्शन होने लगता है। तो ये फिजिक्स ऑप्शन वाला ग्राफ है, और दूसरा केमिस्ट ऑप्शन में ग्राफ कैसा आएगा बताओ, केमिस्ट ऑप्शन में ग्राफ कैसा आता है, नेचर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, शुरुआत में वो इंक्रीज होता है और इंक्रीज होने के बाद फिर वो ऐसा ग्राफ कुछ ये डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ कैसे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया, तीसरा फैक्टर हो गया टेम्परेचर। फोर्थ हम लोग बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ, ये दोनों ग्राफ जो प्लॉटेड है, ये एट कांस्टेंट प्रेशर है, इसलिए इसको हम लोग एड्सॉर्प्शन आइसोबार भी बोलते थे। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर ये प्लॉट किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर कैसे इफेक्ट कर रहा है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को। तो एक्चुअली यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए एक हम लोग आइसोथर्म ड्रॉ करते हैं। आइसोथर्म का मतलब क्या हुआ कि जैसे आइसोबार ड्रॉ किए कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, हम लोग टेम्परेचर के साथ रिलेशन मेजर किए, और आइसोथर्म में हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर के साथ उसका रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस एज द प्रेशर ऑफ द गैस increases। प्रेशर ऑफ द गैस जैसे ही बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट।
ठीक है, जब तक वो इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा। वंस इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीव्ड, ठीक है, जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगा तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना, जैसे शुरुआत में इनिशियली अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब तक वो इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा है, तो सॉरी प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ता है, जब तक वो इक्विलिब्रियम से पहले वाला केस है। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन वो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो है एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं हम लोग। तो एक्चुअली यहाँ पे जो साइंटिस्ट इसको प्रेडिक्ट किया था, इसका नेम था फ्रेंडलिच, ठीक है, तो उसी के नेम पे है ये फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं इसको हम लोग। तो फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, तो इसमें ये ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है इसको, ठीक है। ये शुरुआत में देखो, जैसे प्रेशर, ये यहाँ पे प्रेशर लिया गया और ये एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इधर लिया गया x by m, ठीक है। तो शुरुआत में देखो ये इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, ये थोड़ा सा इस टाइप का, और ये मान लो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम तक, इस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पहुंच गया, और इसके बाद ये क्या हो जाता है, ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग प्रेशर ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे x by m extent of adsorption ले रहा है। तो यहाँ पे actually इस type का relation हम लोग लिखते हैं इसमें, दिख रहा है ना graph सबको? हेलो, चलो तो यहाँ पे देखो, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि आइसोथर्म है, तो आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देखो एक्चुअली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एट लोअर टेम्परेचर, सॉरी लोअर प्रेशर, क्योंकि प्रेशर का वेरिएशन हम लोग देख रहे हैं, तो एट लोअर वैल्यू ऑफ प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर पे हम लोग देख सकते हैं कि ये ग्राफ का नेचर ऑलमोस्ट क्या लीनियर जैसा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के साथ, लोअर प्रेशर मतलब ये लेफ्ट साइड वाला वैल्यूज होगा, तो लोअर प्रेशर में हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ का नेचर ऑलमोस्ट क्या है लीनियरली ही इंक्रीज हो रहा है। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, पी पे पावर वन लिख देते हैं, मतलब लीनियर वेरिएशन है यहाँ पे, ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और हायर वैल्यू पे हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, कि एट हायर प्रेशर, हायर प्रेशर पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कि हायर प्रेशर पे हम लोग देख रहे हैं कि हायर प्रेशर मतलब इस साइड राइट हैंड साइड वाला वैल्यू, तो हम लोग देखें कि जैसे ही इक्विलिब्रियम बढ़ने के बाद प्रेशर अगर हाई होते जा रहा है, पी पे पावर जीरो, हाँ, तो प्रेशर अगर हाई हो गया तो उस पर वो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, एक्सटेंट ऑफ प्रेशर बढ़ाते जा रहा है, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये पी पे पावर क्या हो गया, हायर प्रेशर पे ये पी पे पावर जीरो हो गया। मतलब हायर प्रेशर मतलब ये प्रेशर जो है ये ग्रेटर देन क्या है, इक्विलिब्रियम प्रेशर, समझ में आ रहा है, हायर प्रेशर मतलब ये इक्विलिब्रियम प्रेशर जो होगा उसका उससे ग्रेटर होना चाहिए, उस प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पे पावर जीरो, ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग। तो इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाता है, ठीक है, इसको अगर कंबाइन करोगे, कंबाइनिंग वन एंड टू, तो वन एंड टू कंबाइन करने पे एक इक्वेशन आता है कि एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, कंबाइन करने पे इसको लिखते हैं एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पे पावर क्या आ जाता है, वन बाय एक एन लिया जाता है। यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ठीक है। एन क्या डिनोट कर रहा है, कांस्टेंट, जो किस पे डिपेंड करेगा,
किस पे डिपेंड करेगा? एन का वैल्यू जो है वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। एन जो है एक कॉन्स्टेंट अज्यूम किया जाता है जो कि डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट एंड गैस उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके एक रिलेशन आता है एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, जो है ये प्रेशर है, और उस पर पावर वन बाय एन, और एन जो है यहाँ पे बिल्कुल एक कॉन्स्टेंट अज्यूम किया जाता है। अब इसको जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो मान लेते हैं एक कांस्टेंट के आ गया, और ये क्या है पी पे पावर वन बाय एन, तो यहाँ पे दोनों लिख देना, के और एन जो है ये दोनों क्या है कांस्टेंट है, और ये किस पे डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, इन दोनों के नेचर पे ये डिपेंड करेगा, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आता है कि ये हम लोग लिख सकते हैं, इसको देखो दोनों साइड अगर हम लोग लॉग ले लें, ठीक है, क्योंकि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ जो बनता है वो लॉग लेके हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसको प्लॉटिंग करते हैं, तो दोनों साइड अगर हम लोग लॉग ले लें, ठीक है, तो लॉग क्या आ जाएगा, ये लॉग एक्स बाय एम, ठीक है, और इस साइड इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो दोनों साइड अगर लॉग ले लिए तो इसको हम लोग लॉग के प्लस लॉग पी पे पावर वन बाय एन, इसको सेपरेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, अब इसको हम लोग इधर लिख लिए log x by m, और ये आ गया log k, और प्लस 1 by n आगे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर में, और ये क्या बन गया log p बन गया। अब यहाँ पे एक्चुअली एक हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं किसके किसके बीच में, y एक्सिस पे हम लोग लेंगे log x by m, ठीक है, ये y एक्सिस पे लेंगे हम लोग, और x एक्सिस पे हम लोग लेंगे log p, ठीक है, ये x एक्सिस पे लेंगे। तो ग्राफ का नेचर बताओ तो कैसा आएगा, बोलो, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप, और ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि वाई इंटरसेप्ट कुछ आ रहा है यहाँ पे, वो जीरो नहीं है, ठीक है। हम यहाँ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसके किसके बीच में, लॉग एक्स बाय एम और लॉग पी के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, y एक्सिस पे कोई पॉइंट से स्टार्ट होगा y इंटरसेप्ट, और ये ग्राफ का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, और ये वाला जो वैल्यू है ये y इंटरसेप्ट का वैल्यू, ये क्या होगा log k के बराबर होगा, और इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा बताओ तो, स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 बाय n के बराबर, ठीक है, ये ध्यान देना। तो इसी प्लॉट को बोला जाता है, ये क्या है, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये जो प्लॉटिंग किया गया है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया है, इसलिए इसको फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, अब ये फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है, ये जो ग्राफ का प्लॉटिंग किया जाता है, ये कौन से प्रेशर के लिए वैलिड है, लो प्रेशर के लिए या हाई प्रेशर के लिए बताओ, कौन से प्रेशर के लिए वैलिड होगा ये बताओ तो, लो प्रेशर के लिए, क्योंकि हाई प्रेशर पे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो हाई प्रेशर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, प्रेशर एक बार इक्विलिब्रियम अगर वो एस्टेब्लिश कर गया, इक्विलिब्रियम के बाद प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे, प्रेशर अगर बढ़ाते भी जाओगे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद वो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये लो प्रेशर रेंज के लिए वैलिड होता है, मतलब कि जब तक जो है उन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ है तब तक ही इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, उसके बाद इक्विलिब्रियम आने के बाद उसको रिलेशन इसके थ्रू वेरीफाई नहीं या इसके थ्रू डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है हाई प्रेशर पे फेल हो जाता है,
ठीक है, हाई प्रेशर पे ये वैलिड नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये सारा फैक्टर्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फैक्टर्स एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को फैक्टर्स वाले में तो पूछो। है क्या डाउट किसी को? नहीं है कोई डाउट? चलो, तो इसमें अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो, ये एक है, जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ये फिजिक्स ऑप्शन की बात कर रहे हैं, सॉरी, ये जो हम लोग एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? गैस का एड्सॉर्प्शन सॉलिड के सरफेस पे, ठीक है। अब यही चीज अगर गैस का एड्सॉर्प्शन हम लोग रिप्लेस कर देंगे किसी सॉल्यूशन फेज में, ठीक है, या फिर हम लोग एड्सॉर्प्शन अगर हम लोग मेजर करें सॉल्यूशन फेज का, अगर मेजर करेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे अगर ये इस केस का बात करें, अभी अभी जो हम लोग केस कंसिडर किए थे वो गैस का एड्सॉर्प्शन हो रहा था सॉलिड पे। अब दूसरा केस अगर हम लोग एज्यूम करें कि सॉल्यूशन फेज वाला एड्सॉर्प्शन, मतलब लिक्विड का अगर एड्सॉर्प्शन करें हम लोग किस पे, एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के सरफेस पे लिक्विड का एड्सॉर्प्शन, तो ये सेम इसी टाइप का एड्सॉर्प्शन होगा। मतलब रिलेशन अगर तुमको निकालना होगा तो सेम इसी टाइप का होगा, बस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि जहां जहां प्रेशर वाला टर्म आ रहा था ना लिक्विड के केस में, वो टर्म किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि गैस में हम लोग प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड में हम लोग प्रेशर से रिप्रेजेंट कर पाएंगे क्या? तो लिक्विड में हमको किससे रिप्लेस करना होगा प्रेशर वाले टर्म को, बताओ तो कौन से टर्म से रिप्लेस करना होगा लिक्विड में? कंसंट्रेशन वाले टर्म से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वही चीज फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म वाला अगर रिलेशन लिखना हो हमको, तो अगर लिक्विड का सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड के केस में अगर हम लोग रिलेशन लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा लॉग एक्स बाय एम, ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू लॉग के और प्लस वन बाय एन, सिर्फ लॉग पी किस में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, लॉग सी के केस में चेंज, मतलब लॉग ऑफ कंसंट्रेशन हम लोग यहाँ ले रहे हैं, या फिर उसका जो रिलेशन आया था शुरुआत में एक्स बाय एम, यहाँ पे वही चीज है एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं वहां पे प्रेशर पी पे पावर वन बाय एन लिखते थे, इस केस में तुमको क्या लिखना होगा सी पे पावर वन बाय एन, ठीक है, बाकी सारा फैक्टर सेम रहेगा बट प्रेशर सिर्फ एक डिफरेंस क्या है कि वहां का प्रेशर जो है वो रिप्लेस हो गया किससे, कंसेंट्रेशन वाले टर्म से, ठीक है, तो प्रेशर की जगह बस सी लिख लेना है, सी का डिनोट कर रहा है कंसंट्रेशन, तो ये अगर लिख लिया हम लोग तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाय एम इक्वल टू के इनटू सी पे पावर वन बाय, यहाँ एन और के क्या है वही कांस्टेंट ही है और उसी से ये रिलेशन आ गया, बस बाकी सारा चीज सेम रहेगा, ठीक है, ये हमको डिटेल में पढ़ना नहीं रहता है, मोस्टली गैस का लिक्विड के सरफेस पे ही वो डिटेल में है, बट अगर तुमसे पूछा जाए कि अगर सॉल्यूशन फेज में अगर हम लोग बात करें, मतलब लिक्विड का एड्सॉर्प्शन अगर सॉलिड का सरफेस पे कराएं तो उसमें हम लोग बस ये एक मॉडिफिकेशन कर देंगे, प्रेशर की जगह कंसेंट्रेशन पुट कर देंगे, ठीक है, और बाकी सारा चीज सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया एड्सॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, अब इसमें एक चीज तुम लोग करना, एनसीईआरटी का जो एड्सॉर्प्शन वाला पार्ट है शुरुआत में, ठीक है, एनसीईआरटी का एड्सॉर्प्शन वाला जो पोर्शन है उसको रीडिंग मार के रखोगे तुम लोग, एक बार उसको रीड कर लेना अच्छे से, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्योरली ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल तुमको बाहर से कुछ वैसा करना नहीं है, तो एनसीईआरटी का थ्योरी एक बार रीडिंग मार लेना, लाइन बाय लाइन एक बार रीड कर लेना उसको, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें एप्लीकेशन वाला एक पार्ट मिलेगा तुम लोगों को, एड्सॉर्प्शन वाला थ्योरी अगर कंप्लीट करोगे तो इसमें एक एप्लीकेशन वाला पार्ट मिलेगा, इसका थ्योरी पहले पढ़ लेना
और उसमें जब थ्योरी जब कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन वाला पार्ट मिलेगा कि एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, रियल लाइफ एप्लीकेशन, ठीक है, रियल लाइफ में एडसॉर्प्शन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में, नीट में बहुत बार क्वेश्चन, नीट में क्या जेईई मेंस में भी ऑलरेडी पूछता है, एप्लीकेशन वाले पार्ट से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो प्योरली एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट पूछा जाता है क्योंकि एप्लीकेशन तुम लोग को ऐसे बताया तो नहीं जाता है, ठीक है, तो प्योरली एनसीईआरटी में ही गिवन रहता है एप्लीकेशन, तो वहां से उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए एप्लीकेशन वाला पार्ट अच्छे से रीडिंग माना, कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, कौन कौन सा प्रोसेस है जहां पे एडसॉर्प्शन को इम्प्लॉय किया जाता है, ठीक है, या फिर कौन कौन से केमिकल प्रोसेस में भी बहुत सारा एडसॉर्प्शन का यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो देखोगे एप्लीकेशन वाले पार्ट में, ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो एप्लीकेशन सेपरेट करके ही दिया हुआ है, तो एक बार इसको अच्छे से रीडिंग मार लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, या प्रीवियस ईयर में भी देखना, ऑब्वियसली एप्लीकेशन वाले पार्ट से तुमको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, दो तीन क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल ही जाएगा। बुकलेट मिला है क्या इसका? नो सर, नहीं मिला, चलो ठीक है, आज बोल देते हैं देने, ठीक है। तो पहले बुकलेट से पहले तुम लोग एनसीईआरटी को रीडिंग मारो इसको अच्छे से, उसके बाद ही बुकलेट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग मारना इसमें बहुत ही मस्ट है, थोरो लाइन बाय लाइन रीडिंग मारना है, ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करने बोल रहे हैं क्योंकि ये प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, इसमें थ्योरी ही इम्पोर्टेंट है, सारा चीज थ्योरी ही है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल एप्लीकेशन नहीं है इसका, ठीक है। तो चलो ये एडसॉर्प्शन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे कैटालिसिस वाला, ठीक है, कैटालिसिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो इसको एक बार अच्छे से रीडिंग मार लेना, उसके बाद ही बुकलेट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलो और कोई डाउट है आज के क्लास में? डाउट है तो कुछ पूछो, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है क्या डाउट किसी को? बोलो। नो सर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोट करना, ये जो ग्राफ हम लोग बताए हैं फ्रेंडली चार्ज ऑप्शन आइसोथर्म वाला ग्राफ, ये वैलिड है केमिस ऑप्शन के लिए, ठीक है, इट इज वैलिड ओनली फॉर केमिस ऑप्शन, ठीक है, ये जो ग्राफ है ये किसके लिए वैलिड है? केमिस ऑप्शन वाला ग्राफ था ये, फिजिक्स ऑप्शन पे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, फिजिक्स ऑप्शन पे हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर तुमसे पूछा जाए फिजिक्स ऑप्शन के लिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं ऑन फिजिक्स ऑप्शन, तो फिजिक्स ऑप्शन में भी हम लोग किसके लिए देख रहे हैं? गैसेस का सॉलिड के ऊपर, ठीक है, गैसेस ओवर सॉलिड्स, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स जो है एब्जॉर्ब हो रहे हैं सॉलिड के सरफेस पे, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं फिजिक्स ऑप्शन के केस में कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है, ठीक है, ये क्या होता है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है ये क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर के साथ बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लीच एटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं कि एज द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस डिक्रीज, क्योंकि जहां पे एक्स वॉल्यूम ऑफ द गैसेस डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होंगे सॉलिड के सरफेस पे, अगर एड्सॉर्ब होते जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम क्या होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा ना, तो वॉल्यूम अगर यहाँ कम हो रहा है तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, लीच एटलियर्स प्रिंसिपल होगा और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो रिएक्शन को शिफ्ट कराएगा, एज द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डिक्रीजेस ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, तो अगर वॉल्यूम ऑफ द गैसेस अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और प्रेशर अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ये इक्वेशन, ये जो है रिएक्शन को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो एक्सटेंड
ऑफ एड्सॉर्प्शन को क्या करेगा, ये बढ़ा रहा है, ठीक है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ये ली चैटलियर्स है, ठीक है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, कि वेयर एज एट लो प्रेशर, प्रेशर अगर बहुत ही लो अगर होगा एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर अगर बहुत लो है और टेम्परेचर बहुत हाई कर दिए, तो इस केस में फिजिस ऑप्शन में क्या होता है, डिसऑप्शन होने लगता है, ठीक है। प्रेशर अगर बहुत लो हो गया और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई अगर कर दोगे तो डिसऑप्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि फिजिस ऑप्शन पे क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का, तो उसको उस ग्राफ, वो ग्राफ जो एक्चुअली किसके लिए है, केमिस ऑप्शन के लिए वैलिड है, फिजिस ऑप्शन के लिए ग्राफिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम लोग ये बोल देते हैं कि प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द गैसेस जो है वो एड्सॉर्प्शन के समय क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम ऑफ द गैसेस अगर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन प्रेशर अगर बहुत लो होगा और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर देंगे तो उस केस में क्या होता है, डिसऑप्शन होने लगेगा, ठीक है। ये सारा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें हम लोग देख चुके हैं कि फिजिस ऑप्शन एक्चुअली क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, फिजिस ऑप्शन वाले जो प्रोसेस होता है ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस अगर होगा तो ऑब्वियसली वहां पे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम लोग चेंज करें तो उसके चेंज करने से क्या होगा, रिएक्शन आइदर फॉरवर्ड हो सकता है या बैकवर्ड हो सकता है, तो उसके कारण वो या तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा या फिर डिसऑप्शन हो जाएगा। तो वो कंडीशंस ध्यान रखना कि किस कंडीशन में, फिजिस ऑप्शन के केस में किस कंडीशन में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है और किस कंडीशन में डिसऑप्शन होने लगता है। तो बस ये ध्यान रखना है कि प्रेशर अगर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा तो इस केस में क्या होता है, डिसऑप्शन होता है, ठीक है बस। और बाकी टेम्परेचर अगर लो होगा और प्रेशर अगर हाई होगा तो उस केस में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये फिजिक्स ऑप्शन के लिए था, और केमिस्ट ऑप्शन के लिए तो वो ग्राफ के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट किए ही है ऊपर, ठीक है। चलो और कोई डाउट है किसी को, चलो तो रीडिंग एक बार अच्छे से मार लेना, एनसीईआरटी से रीडिंग मारो, ठीक है, उसके बाद बुकलेट के सेंड करवा देंगे, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलो तो ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास से हम लोग कैटालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं, तो एड्सॉर्प्शन वाला पोर्शन कंप्लीट करके रखना तुम लोग एटलीस्ट, ठीक है। चलो फिर एंड कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।